बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 8 मौजूदा विधायकों के टिकट जो है वो काट दिए हैं। इनमें 2 मंत्री भी शामिल हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया है। टिकट कटने की वजह से ये सभी नाराज बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी के 78 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी तो हो गई, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी की पहली लिस्ट में ऐसे चर्चित चेहरों का नाम नहीं है जिनका टिकट पक्का माना जा रहा था। बीजेपी ने 8 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, इनमें 2 मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरबीर, डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, मुलाना से संतोष सरवान, पटौदी से बिमला चौधरी, भूला से कुलवंत बाजीगर, सोहना से तेजपाल तवर और रादौर से श्याम सिंह राणा। वहीं टिकट कटने के बाद विपुल गोयल के घर पर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। गोयल ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के सहयोग की बात कही है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट वितरण हुआ है और फरीदाबाद में नरेंद्र गुप्ता जी को उसका प्रत्याशी बनाया, मैं नरेंद्र गुप्ता जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि फरीदाबाद क्षेत्र का हर कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और उनकी जीत को भारी मतों से सुनिश्चित करेगा। अब सवाल ये है कि लोगों का टिकट क्यों कटा, किस वजह से चुनावी समर में उतरने से पहले ही झटका लग गया। विपुल गोयल उद्योग मंत्री और फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल की कृष्णपाल गुर्जर से अनबन के कारण टिकट कटने की चर्चा है। वही बात राव नरबीर की करें तो पीडब्ल्यूडी मंत्री और बादशाहपुर से विधायक नरबीर की टिकट उनके धुर विरोधी इंद्रजीत की वजह से कटने की चर्चा है। हालांकि उन्होंने रेवाड़ी से उतारने की भी चर्चा हो रही है। संतोष यादव डिप्टी स्पीकर और अटेली विधायक संतोष यादव का टिकट इंद्रजीत की वजह से कटा है। विमला चौधरी पटौदी से विधायक विमला चौधरी का टिकट परफॉर्मेंस और जीत की कम संभावनाओं के चलते कटा, इसमें इंद्रजीत का भी हाथ रहा है। श्याम सिंह राणा रादौर से विधायक श्याम की टिकट जातीय समीकरणों के चलते कट गई है। कुलवंत बाजीगर गुहला से विधायक कुलवंत बाजीगर का क्षेत्र में विरोध था, परफॉर्मेंस और जीत की कम संभावनाओं के चलते टिकट काटा है। तेजपाल तवर सोहना से विधायक तेजपाल तवर की टिकट भी परफॉर्मेंस और जीत की कम संभावनाओं के चलते कटा है। हालांकि बताया जा रहा है कि इनकी टिकट कटने के पीछे भी राव इंद्रजीत सिंह है। संतोष सारवान मुलाना से विधायक संतोष सारवान की परफॉर्मेंस और जीत की कम संभावनाओं के चलते टिकट कटा है। बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों का टिकट काट कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी ने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अब देखना यह है कि बीजेपी का दाव कितना कारगर साबित हो पाता है। R9 TV के लिए फरीदाबाद से नरेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।